दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 134 का रिव्यू करने वाले हैं जिसका टाइटल है ट्विस्ट। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि साइकोस ने अपने हाइपर बीम अटैक से अर्थ के एक हिस्से को काट दिया होता है और साइकोस ये भी बताती है कि उसे ये पावर कैसे मिली और एक टाइम के लिए वो तात्सुमाकी पर भारी पड़ जाती है। लेकिन तभी बीच में जेनोस आ जाता है तात्सुमाकी को बचाने के लिए और तात्सुमाकी सभी हीरोज को बाहर निकालने लगती है। उसके बाद हम साइतामा, मोनेको और फ्लैशी फ्लैश को देखते हैं जो अभी तक जमीन में फंसे होते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम साइकोस को देखते हैं और ओरोची के ड्रैगन लगातार जेनोस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जेनोस भी उनका सामना कर रहा होता है। तभी साइकोस अपनी हाइपर बीम से तात्सुमाकी पर अटैक करती है, लेकिन तभी जेनोस तात्सुमाकी के सामने आ जाता है और अपना बॉडी का कोर खोलकर अपना टू स्पाइरल इंक्रेशन अटैक यूज करता है और उन दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। तो साइकोस बोलती है, तुम्हें क्या लगता है आमने सामने की लड़ाई में तुम उसे जीत पाओगे? लेकिन तभी जेनोस अपनी कैनन अटैक की पावर को बढ़ा डालता है और ये देखकर तो साइकोस भी शॉक हो जाती है। तभी जेनोस बोलता है, तात्सुमाकी जल्दी से अपना काम करो, तब तक मैं इस अटैक को रोके रखता हूँ। और तात्सुमाकी बाकी हीरोज को भी बाहर निकालने लगती है और जैसे ही एटॉमिक समुराई को होश आता है तो वो पूरी प्रिजनर को देखकर वापस बेहोश हो जाता है। और तभी पूरी प्रिजनर के नीचे से डार्क शाइन निकलता है और जैसे ही तात्सुमाकी फुबुकी को देखती है तो तात्सुमाकी बोलती है, वो लोग आ गए। तभी जेनोस और साइकोस के बीच का अटैक ब्लास्ट हो जाता है और जेनोस की बॉडी ओवरहीट हो जाती है। उसके बाद साइकोस बोलती है, बस एक और हमला और तुम्हारा खेल खत्म, ये अटैक तुम्हें खत्म कर डालेगा। और वो अपना हाइपर बीम अटैक करती है, लेकिन अचानक वो अटैक रुक जाता है और तात्सुमाकी ने इस अटैक को रोक लिया होता है, वो भी जेनोस को संभालते हुए। और तात्सुमाकी बोलती है, अब मैं तुम पर पूरा ध्यान दे सकती हूँ, बहुत खूब डीमन साइबोर्ग। तो जेनोस बोलता है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है। और तात्सुमाकी उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर डालती है और बोलती है, साइकोस अब तुम्हारी बारी है। और वो साइकोस की बॉडी को वापस से लॉक कर डालती है और साइकोस सोचती है, मैं अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रही हूँ। उसके बाद तात्सुमाकी बोलती है, तो बताओ साइकोस तुम मेरी छोटी बहन के साथ क्या करने वाली थी? और फुबुकी को तात्सुमाकी की बहुत ज्यादा पावर फील होने लगती है और सोचती है उसकी पावर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। तभी बैंक बोलता है, ये तो बहुत बड़ा है, क्या उनकी साइकिक पावर की कोई लिमिट नहीं है? तो फुबुकी बोलती है, अब वो सब कुछ खत्म करने वाली है। और साइकोस तात्सुमाकी को देखकर सोचती है, इसका मतलब ये अभी तक सीरियस नहीं थी, ये तो मॉन्स्टर है। तभी तात्सुमाकी अपने हाथ को मोड़ने लगती है। अगले पैनल में हम सिटी सी में हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर सबकी मुंडी टेढ़ी हो जाती है। तो एक मेंबर बोलता है, ऑपरेटर सिटी जेड का मैप उल्टा हो रहा है क्या? तो ऑपरेटर बोलती है, शायद है कि जरूर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। एक मिनट, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि सिटी जेड खुद अपने आप मुड़ रही है। और तात्सुमाकी सिटी जेड के साथ साथ पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को मोड़ डालती है और ओरोची के जितनी जगह पर भी एलिमेंट फैले होते हैं उन सभी में से खून निकलने लगता है। तो तात्सुमाकी बोलती है, लगता है इसके अंदर बहुत खून भरा है, मुझे अच्छे से निचोड़ना होगा। उसके बाद एटॉमिक समुराई को वापस से होश आ जाता है और बोलता है कि खून कहां से आ रहा है। और वो बाकी हीरोज की भी कंडीशन देखता है तो चाइल्ड एम्परर बोलता है, मिस्टर ज़ॉम्बीमैन यहां पे नहीं है। और वो अपने ट्रांसमीटर में बोलता है, मिस्टर ज़ॉम्बीमैन प्लीज जवाब दीजिए मिस्टर ज़ॉम्बीमैन। और उसकी आवाज उसे खुद सुनाई दे रही होती है। तभी वो एक कपड़े का टुकड़ा उठाता है जिसमें ज़ॉम्बीमैन का ट्रांसमीटर होता है और चाइल्ड एम्परर को चिंता होने लगती है। तभी जमीन के नीचे से पिग गॉड निकलता और चाइल्ड एम्परर को कवर कर लेता और उस पर पत्थर गिरने से बचा लेता। अगले पैनल में हम साइतामा को देखते जिसके आसपास तो पूरा मॉन्स्टर एसोसिएशन हिल रहा होता है। तो साइतामा मोनेको को गला पकड़कर बोलता है, ओए ये सब तुम्हारा बॉस कर रहा है, उसे समझा दो ये सब रोक ले नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा। तो मोनेको बोलती है, मुझे नहीं पता। तभी फ्लैशी फ्लैश को खून निकलने लगता है। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है, ये सब पत्थर भी हिल रहे हैं। तो साइतामा बोलता है, अगर ये पत्थर ऐसे हिलते रहे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, मैं तुम्हें जल्दी से बाहर निकालता हूँ। और साइतामा जल्दी जल्दी पत्थर हटाने लगता है। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है, ओए ध्यान से काम करो। उसके बाद हम किंग और टेरियो को देखते हैं जो अभी तक सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं। तो किंग सोचता है, अरे यार वापिस से सीढ़ियां, लेकिन तात्सुमाकी के अटैक के कारण वो सीढ़ी ऊपर के बदले नीचे की तरफ घूम जाती है और किंग स्पीड में नीचे उतरने लगता है और तात्सुमाकी ओरोची का पूरा खून निकाल डालती है। उसके बाद तात्सुमाकी बोलती है, तुमने तो अंदर बहुत सारा खून भर रखा है, कितना गंदा फाउंटेन लग रहा है, मुझे तो बस इसे बंद करना है। और तात्सुमाकी मॉन्स्टर एसोसिएशन को और जोर से दबाने लगती है, लेकिन तभी तात्सुमाकी के मुंह से खून की उल्टी निकलने लगती है और फुबुकी ये देखकर सोचती है, उसकी पावर अचानक रुक गई, उसे क्या हुआ है? और तात्सुमाकी खास रही होती है और सोचती है, क्या ये इस टाइम पर क्यों हो रहा है, तो मैंने कुछ ज्यादा पावर यूज कर ली। तभी साइकोस बोलती है, उसकी पावर कमजोर हो गई है और वहां पर बहुत सारा धुआं कर डालती है। और साइकोस और ओरोची
अपने आप को एक प्लेन में बदल लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तो साइको सोचती है, मैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मैं शहर में से इंसानों का ब्लड एब्जॉर्ब करूंगी। और तात्सुमा के उस धुएं में फंसी होती है और वो अपनी साइकिक पावर से साइकोस की लोकेशन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे साइकोस की मल्टीपल प्रेजेंस मिलती है। तो साइकोस बोलती है, तात्सुमा की ये ट्रिक मैंने तुमसे ही सीखी है, मैंने पत्थरों की मदद से अपनी नकली प्रेजेंस बना ली है, बल्कि मॉन्स्टर जैसी तात्सुमा की भी कुछ लिमिट है, लक मेरी तरफ है। तो तात्सुमा की बोलती है, तुम मुझे कमजोर समझ रही हो। और तात्सुमा की अपनी पावर से कुछ ऐसा करती है जिसे साइकोस की सारी नकली प्रेजेंस ब्लास्ट हो जाती है और साइकोस भी वहीं रुक जाती है, क्योंकि तात्सुमा की ने एक बहुत बड़ा बैरियर बना दिया होता है। तो साइकोस बोलती है, क्या बैरियर, वो भी इतना बड़ा साइज का? तो तात्सुमा की बोलती है, मैंने उस बैरियर की डायरेक्शन भी बदल डाली है, अगर तुम्हें लगता है तुम भाग सकती हो तो कोशिश करो और हमें उस बैरियर के बारे में बताते हैं। तात्सुमा की ने इस बैरियर को दो लेयर में बनाया है, जिसमें पहली लेयर में तात्सुमा की सिर्फ सिंगल एनर्जी यूज कर रही है, जिसकी वजह से साइकोस उस बैरियर को तोड़ सकती है। लेकिन जैसे ही साइकोस दूसरे लेयर में एंटर करेगी तो उसे दो एनर्जी का सामना करना पड़ेगा और वो दूसरे और पहले लेयर के बैरियर के बीच में फंस जाएगी। और यही ट्रिक तात्सुमा की ने बाकी हीरोज के लिए इस्तेमाल की थी, ताकि ओरोची उन पे अटैक करके उनकी एनर्जी ना ले पाए। उसके बाद साइकोस सोचती है, बेवकूफ, उसने अपनी सारी पावर इस बड़े से बैरियर को संभालने में लगा दी, लेकिन वो भी भूल गई, वो भी इस बैरियर के अंदर है, मुझे सिर्फ उसके हार्ट पर अटैक करना होगा और उसका खेल खत्म। और साइकोस अटैक करती है जो तात्सुमाकी के आर पार हो जाता है, लेकिन असल में तो वो एक नकली बॉडी होती है जो तात्सुमाकी ने बनाई होती है और बोलती है, ढूंढ लिया तुम्हें। तभी तात्सुमाकी के पीछे से दो लेजर आती है जो सीधा साइकोस को जाकर टकराती है। तो साइकोस सोचती है, अब क्या आ गया, और वो ड्राइव नाइट होता है और ड्राइव नाइट बोलता है, टारगेट मिल गया है, एक अनोखा एमरफस क्रिएचर, सैंपल कलेक्टिंग सिस्टम ऑन। और उसने न्यान को एक कांटे वाली केज में बंद कर दिया होता है, जिसका नाम चेकमेट होता है। तो पूरी प्रिजनर बोलता है, देखो एक और उड़ने वाली चीज आ गई। तो पिगोर बोलता है, क्या वो ड्राइव नाइट है? तो एटॉमिक समुराई बोलता है, वो अभी तक जिंदा है और ड्राइव नाइट साइकोस का पीछा कर रहा होता है। तो साइकोस बोलती है, ये लोग कब से आए जा रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की, जिसके हाथ में इवोल्यूशन की चाबी है, बेवकूफ लोग। तो ड्राइव नाइट बोलता है, इवोल्यूशन का असली नेचर तो लड़ाई करना है, और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी सरफेस पर जेनोस आ जाता है। तो एटॉमिक समुराई बोलता है, डीमन साहब तुम भी यहाँ पर आ गए हो? तो जेनोस बोलता है, मैं यहाँ पर कैसे आया वो सब बाद में बताऊंगा। टोर्नेडो ने मॉन्स्टर एसोसिएशन के बॉस को एक बहुत बड़े बैरियर में बंद कर डाला है और ड्राइव नाइट भी उनके बॉस से फाइट कर रहा है, लेकिन तात्सुमा की अपनी पावर की लिमिट पर आ गई है। तो मैं वापस से ऊपर जा रहा हूँ उसे सपोर्ट करने, तो तुम लोग भी प्लीज हमारी मदद करो। और जेनोस वापस से ऊपर चले जाता है। तो एटॉमिक समुराई बोलता है, ये टाइम अब ऐसे ही खड़े रहने का नहीं है, वो चीज अब काबू से बाहर हो रही है, लगता है मुझे अपनी एयर ब्लेड टेक्निक यूज करनी चाहिए उसे घायल करने के लिए। तभी पिग गॉड अपनी बॉडी में से कुछ निकालता और वो सब प्राइवेट फोर्स के मेंबर होते हैं। तो चाइल्ड डंपर बोलता है, मिस्टर पिग गॉड, आपने सबको अपने पेट में डाल लिया ताकि सबको बचा सको, लेकिन एक मिनट, कहीं आपने ज़ॉम्बी मैन को खा तो नहीं लिया ना? तो साइड में पड़ा हुआ ज़ॉम्बी मैन का सर बोलता है, नहीं, ये लोग तो घायल लोग हैं। तभी इयान को होश आ जाता और बोलता, मैं कहाँ पर हूँ? अरे मिस्टर पिगोर आप? तो पिगोर बोलता, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुम सबको बचाना आसान था क्योंकि तुम सभी एक ही जगह पर मौजूद थे। तो इयान बोलता, अब पता चला हम कैसे बच गए। मिस्टर पिगोर आपने मुझ पर एक एहसान किया है, बताइए मैं इस एहसान का कर्ज कैसे उतार सकता हूँ? तो पिगोर बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इयान सोचता है, लगता है मैं अभी भी एस क्लास हीरो बनने के लायक नहीं हूँ। तभी एटॉमिक समुराई बोलता, जैसा कि मैंने सोचा मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ तो सोचना होगा। और इयान का ध्यान एटॉमिक समुराई पर जाता है। तो इयान बोलता, मास्टर ऐसा लग रहा है मैं जिंदा रहने में कामयाब रहा। तो एटॉमिक समुराई बोलता, बहुत खूब, और इयान का हाथ पकड़ लेता है। अगले पैनल में हम टैंक टॉप मास्टर को देखते हैं जो पत्थर के नीचे दबे लोगों को निकाल रहा होता है और बोलता, क्या और कोई भी है जिसे बचाना हो? तो एक हीरो बोलता, हम सब मिलकर भी एक पत्थर को हिला नहीं पाए, इसने तो उठा के ही फेंक दिया। तो लाइटनिंग मैक्स बोलता, ये उसने कैसे किया? तो टैंक टॉप मास्टर बोलता, ये है टैंक टॉप मैजिक, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं समझ आता। तो मूवमेंट राइडर बोलता, मास्टर मुझे खुशी हुई आप यहाँ पर आए। तो टैंक टॉप मास्टर बोलता, वैसे तो मैं तुम्हारे पीछे आया था। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। तो सरफेस पर खड़े हुए हीरो बोलते हैं, वो देखो मेडिकल हेलीकॉप्टर, हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर कुछ घायल लोग हैं। और ड्राइव नाइट साइकोस का पीछा कर रहा होता है और ड्राइव नाइट अपनी लेजर से अटैक करता है, लेकिन वो अटैक बैरियर को लग जाता है और साइकोस अपनी डायरेक्शन बदल डालती है और ड्राइव नाइट भी अपनी डायरेक्शन बदल डालता है।
तो मेडिकल हेलीकॉप्टर पायलट बोलता, अरे यहाँ पर बहुत बड़ी इनविजिबल वॉल है, जल्दी से इससे बचो। और वो हेलीकॉप्टर टकराते टकराते बच जाता है। तो टैंक टॉप मास्टर बोलता, ये तो बहुत बड़ा बैरियर है, क्या तात्सुमाकी किसी से फाइट कर रही है? उसका इतना पावर इस्तेमाल करना मतलब वो कोई सीरियस फाइट कर रही होगी। लाइटनिंग मैक्स, क्या तात्सुमाकी उसी टावर के पास है? तो लाइटनिंग मैक्स बोलता, हाँ। तो टैंक टॉप मास्टर बोलता, वुमेन राइडर, मैं वहाँ पर तात्सुमाकी को सपोर्ट करने जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखो। और टैंक टॉप मास्टर पूरे एक टावर को उखाड़ डालता और बोलता, जल्दी से घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने का तरीका ढूंढो। तो वुमेन राइडर बोलता, ठीक है, और अपना ध्यान रखना मास्टर। तो टैंक टॉप मास्टर बोलता, तुम भी अपना ध्यान रखना। और वो उस टावर को दूर तक फेंकता और उसकी रस्सी को पकड़कर उड़ने लगता, और वो भी मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ जाने लगता। तो स्नेक बोलता, कि ये चीज भी टैंक टॉप मैजिक से रिलेटेड है? तो दूसरा हीरो बोलता, लगता है मुझे भी टैंक टॉप पहन लेना चाहिए। तो वुमेन राइडर बोलता, चलो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट करते। उसके बाद एटॉमिक समुराई जेनोस और तात्सुमाकी को एक साथ फाइट करते हुए देखता और सोचता, क्या वो दोनों एक साथ फाइट कर रहे हैं? तो दोस्तों ये चैप्टर यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक दो के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।